स्मार्ट सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। ये लाइव तस्वीरें जो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, एक बार दोबारा से आजाद भारत आंदोलन यहां पर शुरू हो चुका है। 70-71 साल पहले भारत को आजादी मिली थी, लेकिन अब दोबारा से भारत को आजादी दिलाने के लिए यहाँ पर किसान इकट्ठे हो चुके हैं और किसानों ने ये ठान लिया है कि हिसार से दिल्ली तक पैदल मार्च किया जाएगा। जो दिल्ली के अंदर संसद चल रही है वहाँ पर पैदल कूच करेंगे किसान, और अभी हिसार से पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। देखिए लगातार जो है मैं आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ हिसार से। हिसार से दिल्ली के लिए किसान निकल चुके हैं और लगातार ये लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। और ये किसानों से अभी पूछने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये पैदल चलकर जाएंगे कहाँ। आपको बता देते हैं कि आज शाम को जो है मैया टोल के ऊपर ये लोग ठहराव करेंगे, उसके बाद रोहतक के टोल के ऊपर ठहराव करेंगे और उसके बाद सीधा दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली तक कूच करने की तैयारी जो है किसानों ने कर लिया। मुझे ये बताइए कि आज में क्या आप लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं, हमारी एक ये लड़ाई है, ये WTO जो तीनों काले कानून जो सरकार लेके आई है WTO की तर्ज पे लेके आई है, क्योंकि किसानों के साथ WTO ने हमेशा छड़ किया है। और जितनी भी सब्सिडी है आज जो काले कानून ने यही है कि इनकी यही नीति है कि जो कॉरपोरेट घराने हैं पूंजीवादी लोग उनको हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को सौंप दिया जाए, तो इसके खिलाफ हमारी एक जागृति अभियान है, जन चेतना अभियान हमारा कि यहाँ से चल कर सारे क्रांति मान पार्क से हम चले हैं। और आज का हमारा जो पड़ाव है छोटी सात रोड से होते हुए आज मैया टोल पे होगा। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि बिल गेट्स का नाम लिखा हुआ है, बिल गेट्स का नाम के पीछे की वजह क्या है? मैडम जी मेरे को तो देख पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। आज जो बिल गेट्स है ना, आप अमेरिका के अंदर 3.5 लाख करोड़ एकड़ का जो मालिक है बिल गेट्स है। आज जितने भी पेटेंट है, चाहे वो कोरोना के नाम पे हो, चाहे हमारे जो ये खेतों में जो रासायनिक चीजें है, जितने भी पेटेंट है सारे के सारों पर कब्जा बिल गेट्स का है। हम नहीं चाहते हमारा, हम चाहते कि हमारा जो पुराना भारत की तरफ हमारा भारत मुड़े, ना कि किसी बिल गेट्स के कहने पर हमारा भारत चले। हम बिल गेट्स के गुलाम नहीं बनना चाहते। और WTO WTO जैसी संस्थाओं ने भारत के ऊपर जो कब्जा कर रखा है, इनका एक ही नीति है कि आज जो आम किसान है, मजदूर है, व्यापारी, इसको तबाह करके अपना एक एकाधिकार स्थापित करना। ठीक है, ये देखिए लगातार नारे यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और हाथों के अंदर झंडे लेते हुए किसान आगे कूच कर रहे हैं। हालांकि अभी जो है हिसार के क्रांतिमान पार्क यानी कि मटका चौक से ये यात्रा शुरू हुई है, और ये यात्रा शुरू होने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि सीधा जो है कैंप चौक की तरफ किसान बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं मटका चौक से, जहाँ पर किसानों ने ठान लिया है कि दिल्ली के अंदर जो संसद चल रही है वहाँ पर कूच किया जाएगा और उसके बाद जो है जो संसद चल रही है उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी देने वाले हैं। लेकिन आज की आपको बात बता देती हूँ, आज विधानसभा के अंदर जो सत्र चल रहा है उसके रोक दिया गया है। हालांकि जो विधानसभा का सत्र है वो 11 बजे तक रोका गया है और जो राज्यसभा का सत्र है वो 11:30 बजे तक आज रोक दिया गया। हाँ मुझे ये बताइए, आज विधानसभा का सत्र जो है रोक दिया गया, राज्यसभा का सत्र जो है 12 बजे तक रोक दिया गया, विपक्ष ने आवाज उठाई, तो क्या मानते हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है? यह सरकार और करने के लायक रही है, काणी कलौंडी सरकार है। हरियाणा में मिसाल है, एक बुढ़ा बुढ़ी के शादी थी, बुढ़ा था काना और भागता बुढ़िया भी काणी दी, वो ताऊ लड़दा लड़दा ताई ने कहने लगा है सुसरी काणी, वो ताई पढ़ दिया नूली, मन तो सारा देश काने का दिख है। या उस मिसाल पर आधारित है, या बीजेपी टोटल काणी सरकार है, या दबाने के काम करने लाए रही को विपक्ष ने बोलने दें दी नहीं, किसान की सुन दी नहीं। आज 9 महीने लाग गए हैं, 9 महीने में है न, इसने सदा यूए काम कराया है। एक बार बताओ, महामारी बड़ी है कि ये कानून बड़े हैं? उल्टे क्या तक होनी लें दी, और तो इनका है ना पुंजड़ था गया है, मोदी का ऐसा पुंजड़ था गया है, फिल्म बढ़ेगा जुकर सांप का पाया जा रहा है, काट के छोड़ देंगे उस पुंजड़ ने, इतना उल्टे नहीं बढ़ते। पहले भी 9 महीने हो चुके हैं किसानों को टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए, और अभी तक किसान संसद तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हिसार से एक जत्था निकला है अभी संसद तक पहुंचने के लिए। क्या लगता है संसद तक पहुंच पाएंगे या बिल्कुल लिया जाएगा? भाई साहब सरकार 22 तारीख का जान लाग रहे संसद में, उन गेतला काम तो करे रखा है, मतलब है न रास्ते में तो रोक के रखे हैं। ये किसान इसे बना रखे जो दूसरे देश के आ रहे हैं, जो अपनी संसद किसान संसद चलन लाग रही है ना,
उसमें जो किसान जावे हैं उनकी गाड़ियां की तलाशी ले ही जा है, आतंकवादी वाला काम कर रखे। जावांगे पक्के पहुंचांगे भाई। संसद में जाने को तो बस में भी जा सकते थे, पैदल यात्रा ही क्यों? इतनी गर्मी है, आप तप कर कर क्यों जा रहे हैं, पैदल ही क्यों जा रहे हैं? ये पैदल यात्रा एक जागरूक यात्रा होगी, हर गांव गुआंड तक रोड तक जाओगी पैदल जानिया तक गांव में संदेश जाओगा भाई सारे के सारे जागो। यह एक फसल नस्ल की लड़ाई है, किसान एकला किसान की नहीं, किसान का मेरे मजदूर की लड़ाई है, या अन्न पैदा करनी है तो लेके अन्न खानी है तक की लड़ाई है। ये बताइए, हर जगह जब आप जाएंगे तो पुलिस आपको बीच में रोकेगी, आप लोगों ने क्या कुछ तय किया है, क्या विरोध किया जाएगा आप लोगों की तरफ से भी? पुलिस हम न रोकेगी क्या दाम करा के यहाँ संदेश पुलिस को उसी अन्न कौन खांदी, लेकिन इस सरकार की गुलाम बन के रहेगी पुलिस भी। नू बताओ जी, किसान को हथियार ले रहे नहीं, को लठ ले रहे नहीं, को जेली ले रहे हैं, जो आपके हथियार हुए लेकिन खाली आ जा रहे हैं। एक सरकार बेरा के है, सरकार ने जगान का काम करने लग रहे हैं, जो गुंगी बहरी सरकार है उसकी जगान का काम करने लग रहे हैं, जो यह जनता देखने लग रही, जो अनखावा है, जो मैं कहूँ जो आदमी है ना किसी आंदोलन में साथ नहीं दे सकता, पहला विभाग है उसका आंदोलन में साथ देने का, आंदोलन में खुल के नहीं आ सकता, उसकी लुकमा सपोर्ट करने का, सपोर्ट नहीं कर सकता को मदद करने का, और मदद नहीं कर सकता नहीं तो कम से कम चुप तो रह जाओ। आप सपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इधर सोनाली जी कह रही हैं कि जी किसानों के आप भलाई के लिए ये तीनों के तीनों कानून लेकर आए हैं। सोनाली जी के बयान आपने सुने होंगे। अरे क्या के सुने, मेरा क्या नाम ले उसका, उसकी बेरा है कोनी पट्टी कह रही हवा। एक बात बताओ भाई, सोनाली फोगाट नहीं, एक एक हफ्ते का टाइम मांगा तारे पर मीडिया यहाँ पर नुका, आज नहीं आज एक कानून के बारे में बता दूंगी, अब तक पाचा दूसरा कानून के बारे में बताऊंगी, अब तक पाचा तीसरा कानून का, तीनों के तीनों काले कानून है, किसान का मेरा मजदूर की कमर तोड़ने के कानून है ये। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताई गई थी, आप उससे सहमत हुए सोलानी जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताया कि उसने नुकाया है, वह तो एक के बाद कह दी, बोली मैं हरियाणा से बिलोंग करूँ, हरियाणा पंजाब वाले किसान नहीं जमीन एक फुट भी कौन देवे, बात जमीन की निकल दे, हम कानून के अंदर के है सबसे कमी बेरा के है, सबसे मोटी कमी यह है, उसमें डील होगी ना, किसान जिस भी कंपनी से डील करेगा उसमें सबसे मोटी कमी यह है, अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट डील कर रहा है कैंसिल कर रहा है ना, तो किसान कैंसिल नहीं कर सकता, कंपनी कैंसिल कर सके है। सबसे मोटी कंडीशन कंपनी ने कहलाई है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी होगी खाद बीज पेस्टिसाइड दवाई सब की में उसका कहने तक डालना पड़ेगा। एक बात और भी बताइए कि पैसे देने गज पड़ाना, यानी कि मैंने पैसे दे दिए और मेरा जो अनाज था वो मैंने ले लिया, सीधी सीधी बात है, किसान के ऊपर किसान यानी कि बेफालतू की बात करके सामने आता है कि जी किसान लोगों का पेट भरता है, इस तरीके की बातें सहानुभूति की बातें जो है वो की जाती है संपत्ति के लिए, लेकिन जो भी व्यक्ति किसान से अगर अनाज लेता है तो उस चीज़ के पैसे देता है, दही बल्ले का जिक्र किया बिलाजी मैंने, इसकी पेमेंट कर रखी है। एक बात बताओ भाई साहब, आप दही बल्ला लेन बिक जाओ रेडी वाला दुकान वाला के कहोगा 20 के 2 दूंगा 20 के 4 दूंगा, क्या किसान कैश कह गए? आप ऐसा काम करवा दो ना, किसान गेहूँ की कंडीशन रख देना, मैं 2000 रुपये मन दूंगा 2000 रुपये क्विंटल दूंगा, या 5000 रुपये मन दूंगा 5000 रुपये क्विंटल दूंगा ना, फिर तो यू व्यापारी हुआ हो भाई, यू किसान का मेरा खुद भूखा रह के देश का पेट भरने लग रहा है, पैसे दे के दो ना, कह तो बताऊँ। एक बात बताओ भाई साहब, ईसा व्यापारी देखा के दारू को जरूरी नहीं है, लेकिन दारू बनानी आज अमीर है, दारू को जरूरी, सिगरेट है सिगरेट को जरूरी नहीं, सिगरेट बनानी आज अमीर है, किसान अनाज उगानिया है लेकिन अनाज सब ने जरूरी है लेकिन किसान गरीब है, कारण के है इसकी रेट कौन मिलता, इसका रेट बनिए व्यापारी, ये सरकार जो बैठे ना नशा हुए तय करने लग रहे हैं, जिस दिन यू फर्क दूर हो जाएगा ना उस दिन यू किसान सब तय कर लेंगे। रवि आजाद की तरफ से इंसो का विरोध किया जा रहा है, क्या हिसार के अंदर भी इंसो का विरोध किया जाएगा, और अब बीजेपी जेजेपी के साथ छात्र संघ का भी विरोध किया जाएगा, छात्र संघ खुद करने लग रहे हैं, छात्र है किसके, अन्नदाता के, किसान के बालक हैं, पुलिस में जवान है किसान है, जब NSO है जो भी है नहीं है सारे हैं तो किसान के बालक, आज रोज तक मजा के देख लो इतनी तानाशाही करवाने लग रहे, बर्बरता करा रहे हैं किसान का, वो युवा छात्र के ऊपर लाठीचार्ज करवाने लग रहे हैं, किसान यहाँ से जत्था लेकर निकले हैं। भाई साहब 50 तो उड़े तो तैयार हो रहे हैं, आगे टोल पर तो चलेंगे, गाँव में तो जागरूक करने लग रहे हैं, सात रोड में तो जुड़ेंगे, जो जो गांव रास्ता मानते जाओगे लाखों की संख्या में होंगी, दिल्ली लग पहुंचने में लाखों की संख्या होगी मेरे भाई, तो दिल्ली के अंदर जो है लाखों की संख्या के अंदर किसान पहुंचने की उम्मीद जता दी गई है, हो सकता है कि हिसार से धीरे धीरे करके गाँव के अंदर लोगों को अवेयर करते हुए जागरूक करते हुए ये किसान अपनी जो है पैदल मार्च निकालने वाले हैं, और उसके बाद जा करके गांव से लोगों को इकट्ठा करेंगे, मैया टोल से लोगों को इकट्ठा करेंगे, और रास्ते के अंदर जो भी टोल पड़ेगा रोहतक टोल के ऊपर रुकेंगे, वहां से लोगों को इकट्ठा करेंगे, और
दिल्ली के अंदर संसद के मार्च के अंदर जो है मार्च करते हुए संसद तक पहुंच जाएंगे। जो दिल्ली सही में विधानसभा सत्र चल रहा है उसके सामने जो एक और सत्र, जो एक और संसद किसान चला रहे हैं, वहां पर जाकर के हिस्सेदारी देने वाले हैं। अब देखिए आप लोग बताइए कि जब विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा तो इन लोगों को कितने कष्ट सहने पड़ेंगे रास्ते के अंदर। क्या इन लोगों को दिल्ली के अंदर घुसने दिया जाएगा? क्या दिल्ली का बॉर्डर पार करने दिया जाएगा? हालांकि ये अभी तक का सबसे बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से पैदल मार्च के लिए तो किसान निकल पड़े हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर पक्का है कि इन लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा और इतनी संख्या के अंदर इनको संसद के अंदर जो है नहीं घुसने दिया जाएगा। जो भी किसानों की संसद या फिर विधानसभा सत्र जिसको वो नाम दे रहे हैं वो चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये चीन यहाँ पर यह खड़ा हुआ है कि पुलिस अब क्या करेगी? क्या पुलिस की तरफ से जिस तरीके से रोहतक के अंदर छात्र संघ का इंसो का विरोध किया जा रहा है, किसान कर रहे हैं, दोनों पक्ष जो है आपस में भिड़े हुए हैं, क्या आने वाले दिनों के अंदर भी कुछ इसी तरीके का माहौल जो है दिल्ली के अंदर भी देखने को मिलने वाला है? आपकी क्या राय है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो।